मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तेरी तारीफ होगी न मेरा मजाक होगा, गुरूर न कर साहे शरीर का ए दोस्त, क्योंकि मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल के इन्फो सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे भारत के आगे बेअसर हो रहा है चीन का दबदबा। तो आइए पूरा वीडियो पूरा माजरा समझते हुए चलते हैं। दुनिया में दादागिरी का पर्याय बन चुके चीन का दबाव भारत के आगे अब बिल्कुल बेअसर हो गया है, क्योंकि भारत ने जैसे को तैसा के आधार पर चीन को जवाब देना शुरू कर दिया है। चीन जितना आक्रामक पहले हुआ है, भारत भी उतना ही आक्रामक होता गया, इसलिए चीन के सारे दावपेच भारत के सामने बिल्कुल बेकार हो गई है। ऐसे में भारत के सामने जब चीन की एक भी न चली तो चीनी मीडिया अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए अपने देश के लिए शांति प्रिय देश होने का दिखावा करने लगी। पहले तो चीन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मारे गए सैनिकों की संख्या का खुलासा भी नहीं किया, क्योंकि पीठ पीछे धोखे से हमला करने वाले चीनी सैनिकों को भारत के सैनिकों ने जिस तरह से धूल चटाई थी, उसी समय चीन हार गया था। और इतने दिनों तक तो चीन अपनी इज्जत बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन अब चीन को भारत आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब भारत अमेरिका के साथ मिलकर मिनी नाटो का जाल बिछा रहा है। दरअसल मिनी नाटो तो कुछ और नहीं बल्कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का क्वाड संगठन है, लेकिन चीन क्वाड संगठन को मिनी नाटो संगठन ही मानता है। जिसका मानना यह है कि जिस तरह से रूस के विरुद्ध नाटो संगठन का गठन हुआ, वैसे ही चीन के विरुद्ध मिनी नाटो संगठन का गठन हुआ है। और अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर मिनी नाटो संगठन यानी कि क्वाड संगठन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे बुकलाए चीन ने चेतावनी दी है कि जो बाइडेन क्वाड संगठन को आगे बढ़ाने का ऐलान करके बहुत बड़ी और बहुत ही गंभीर राजनीतिक गलती करने जा रहे हैं। वही चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत को क्वाड संगठन से दूरी बनाए रखने की धमकी दी है। वैसे देखा जाए तो आज चीन पर संगठन से इतना डरा हुआ है कि सभी क्वाड संगठन का मजाक उड़ाने वाला कभी चीनी मीडिया आज क्वाड संगठन को नाटो का नाम दे रहा है। तो मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, यहाँ ये बात आपको बताना बहुत जरूरी है कि चीन इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि पहले भारत ने क्वाड संगठन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और संगठन का हिस्सा बनने के बावजूद दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन अब वही भारत सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्य बना हुआ है, जिसकी वजह से चीन भारत की सक्रियता को देखकर और समझकर क्वाड संगठन से घबराने लगा है। तो मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।